नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। कहने को तो सिर्फ ये एक एकेडमी है, पर जिन्होंने अपने कंधों पे सितारे पाने का सपना देखा है, उनके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ही सब कुछ है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता। वक्त आ गया है इंडिया के सबसे बेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचने का। एक सुनहरा मौका है सामने NDA-1 2019 एग्जाम का। Let's crack NDA-1 2019 एग्जाम with free crash course by TGM the great mentor. 101 online mock test, 93 videos and 350 plus free PDF notes. Download TGM for NDA, CDS and AFCAT exam app from Google Play Store or log on to www.thegreatmentor.com. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटर्स, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज सच एज CDS, AFCAT एंड NDA। एज NDA फर्स्ट 2019 विच इज शेड्यूल्ड ऑन 21st ऑफ अप्रैल is approaching, VTGM, your study partner, are launching a crash course, and I, Manu Srivastava, as a faculty of mathematics, invites you to the same. Today we are going to solve the questions on statistics, and what I strongly believe it will definitely help you during your examination. So let's have a look. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, statistics का ये पेपर है और NDA 2 2018 में 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, NDA 1 2018 में 10 क्वेश्चंस एंड NDA 2 2017 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए देखिए, काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से दृष्टिकोण से। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स विथ वेट बीइंग द नंबर्स इट्सेल्फ। तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आइए हम अर्थमेटिक मीन पे काम करते हैं। देखिए, x हमको दिया हुआ है, 12 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक मीन निकालने का बहुत सा तरीका होता है। एक तरीका होता है सबको हम ऐड कर ले और नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर कितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर दें, ये सबसे तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम एक डिफरेंस क्रिएट करें, एक्स माइनस ए क्रिएट करें, जिसको हम डी कहते हैं, और इसके थ्रू हम इसको निकालें। देखिए, अगर हम डी की वैल्यू लेते हैं 6, तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 इज 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 6 5, 12 माइनस 6 6। तो आइए हम समेशन ऑफ डी निकालते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ डी ऐड करना है दोस्तों। देखिए, 5 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, 3 2 1 1, ये सारी चीज कैंसिल हो, तो समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू हुआ 6 आपके पास। तो दोस्तों, मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होता है, ए मीन बराबर होता है प्लस समेशन ऑफ डी बाय एन। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो देखिए, वो आपके पास 12 है, ए की वैल्यू हमने 6 ली हुई है, ए की वैल्यू हमने 6 ली है, तो ए हम यहाँ ऐड करेंगे प्लस डी बाई एन लेंगे, 6 है हमारे पास, एन लिया, एन हमारे पास 12 है, तो 6 प्लस 6 बाई 12 दैट इज 6.5, या आप इसी को 13 बाई 2 भी लिख सकते हैं।
तो आपका जो सोल्यूशन है दैट इज सी. व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स द वेट बीइंग द नंबर्स. तो देख रहे हैं आप जो आपका आंसर है दैट इज 13/2. आइए एक बार और करके देखते हैं हमने क्या किया है. सबसे पहले हमने नंबर्स को एक रो में लिख लिया है. इसके बाद हमने एक एज्यूम्ड क्वांटिटी ली है, x माइनस ए निकाला है और d निकाला है. ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमने 6 को माइनस किया है, 1 माइनस 6, 2 माइनस 6, 3 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6, 9 माइनस 6, 10 माइनस 6, 11 माइनस 6, फिर 12 माइनस 6. हमने सबको ऐड किया है तो वैल्यू आई है 6. फिर हमने मीन लिया है a प्लस समेशन d बाई n, तो इसकी वैल्यू आई है 6.5, जो कि आपके सोल्यूशन c से मैच करती है. तो हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर है आपका c. तो दोस्तों हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे. हमारा दूसरा प्रश्न, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास आर 43. इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 आर 40 एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल स्टूडेंट आर 48, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन द क्लास. 43 जो एवरेज मार्क्स पाया गया है, यानी हमारे पास बॉयज़ हैं, हमारे पास गर्ल्स हैं. बॉयज़ की संख्या है 25, गर्ल्स की संख्या हमको फाइंड आउट करनी है. सपोज़ इसको हम जी ही लेते हैं, गर्ल्स की संख्या है जी और हमारे पास 25 बॉयज़ ने सपोज दैट एक्स वन टोटल नंबर पाए हैं, गर्ल्स ने एक्स टू टोटल नंबर पाए हैं. तो अगर आप एवरेज देखें तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का जितना टोटल नंबर है, गर्ल्स ने जितना टोटल नंबर पाया है, अपॉन में दोनों को ऐड कर दे, यानी बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या, देन हमारे पास दिया हुआ है दैट इज़ 43. अगर हम यहाँ पे देखें तो x1 प्लस x2 हमें नहीं पता है, लेकिन बॉयज़ की टोटल संख्या हमें पता है दैट इज़ 25 प्लस g इज़ इक्वल टू हमारे पास है 43. तो ये एक इक्वेशन दोस्तों हमारे पास हो गया. इसके बाद दोस्तों हम देखिए, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 25 बॉयज़ आर 40, यानी टोटल नंबर जो ये पाए हैं बॉयज़, हमने माना है x1 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 25, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, इसकी वैल्यू है 40. तो यहाँ से देखिए हमको x1 की वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू है 40 इंटू 25. सिमिलरली अगर हम गर्ल्स को देखें तो टोटल नंबर जो गर्ल्स ने ऑब्टेन किया है दैट इज़ x2 और गर्ल्स की क्वांटिटी है g दैट इज़ इक्वल टू 48. तो हमको x2 की वैल्यू भी मिल गई, x2 की वैल्यू है दोस्तों 48 इंटू जी. तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो आइए इक्वेशन नंबर 1 में हम इनकी वैल्यू रखते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे दोस्तों. x1 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, x1 की वैल्यू है 40 इंटू 25 प्लस x2 की वैल्यू है 48 इंटू जी अपॉन में टोटल जो नंबर्स हैं इन लोगों के, टोटल नंबर्स हैं वो 25 प्लस जी हैं, 25 प्लस जी हैं इज़ इक्वल टू, ये देखिए हमने देखा है ऊपर टोटल नंबर्स जो हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, x1 हमने निकाला, x2 निकाला, उसकी वैल्यू हमने देखी है. तो ये जो इक्वेशन है दैट इज़ इक्वल टू 43. तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं ऊपर से रब करने जा रहा हूं ताकि आगे का कैलकुलेशन हम कर सकें. तो आइए हम ऊपर से रब करके इस कैलकुलेशन को करते हैं. देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 43 इंटू 25 प्लस जी इंटू 43. अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम g के टर्म को इधर ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो g कॉमन ले रहे हैं तो इधर बचा 48, उधर से g का टर्म लाए माइनस 43 इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 43 इंटू 25 माइनस में 40 इंटू 25. दोस्तों यहाँ g आप देख रहे हैं, यहाँ 5 बचा हमारे पास और यहाँ अगर हम 25 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर है 43 माइनस 40. जैसा कि आप देख रहे हैं g ब्रैकेट में 5 इज इक्वल टू 25 इंटू 3. हम देख रहे हैं यहाँ 5 और 25 कैंसिल हो रहे हैं दोस्तों, तो g इज़ इक्वल टू
5 × 3 दैट इज़ 15। तो देखा जैसे दोस्तों आपने, आपका जी का वैल्यू, गर्ल्स की टोटल जो वैल्यू है वो 15 है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, केवल आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। हमने एक बॉयज का टोटल नंबर x1 माना, गर्ल्स का टोटल नंबर x2 माना, और हमने x1 प्लस x2 अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स किया, उसकी वैल्यू है 43। फिर हमने बॉयज़ के लिए x1 अपॉन 25 किया, क्योंकि 25 के दैट इज़ इक्वल टू 40 रखा। फिर हमने गर्ल्स के लिए x2 अपॉन g रखा, दैट इज़ 48 दिया हुआ है। उसके बाद हमने x1 और x2 की जगह वो वैल्यूज़ रख दी और देखा कि आपने एक आसान से इक्वेशन के थ्रू आपको आंसर मिलता है। अगर आप अपने ऑप्शन से मैच करते हैं तो आपका ऑप्शन है ए। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 5, 2 इज़ एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन वॉट विल बी द न्यू मीन। देखिए जो 10 ऑब्जर्वेशंस है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 5, जो 10 ऑब्जर्वेशन के मीन है वो 5 है। 2 एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन वॉट विल बी द न्यू मीन। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो 10 ऑब्जर्वेशन के मीन दिए हुए हैं। सपोज दैट वो 10 ऑब्जर्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये ऑब्जर्वेशन है अगर xn तक, तो जो मीन होगा दैट इज अपॉन 10, टोटल का एड अपॉन 10। हमने 10 ऑब्जर्वेशन माना x1 x2 x3, तो जो मीन होगा वो ऑब्वियसली टोटल का बटा 10, और उसकी वैल्यू 5 दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है, यहाँ से हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी टोटल का सम 2x10 है। ये n की वैल्यू यहाँ 10 है इसीलिए 10 से डिवाइड की है, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5 × 10 दैट इज़ इक्वल टू 50। तो हमारे पास एक वैल्यू मिल गई x1 प्लस x2 प्लस x3 50 तक। फिर हम यहाँ कह रहे हैं इफ़ 2 इज़ एडेड इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हर ऑब्जर्वेशन में हम 2 ऐड कर रहे हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यही काम हम x2 में भी कर रहे हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली x10 में भी 2 ऐड कर रहे हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इनका समेशन करें दोस्तों, तो देखिए समेशन क्या आ रहा है, इनका समेशन अगर हम करें तो आ रहा है हमारे पास x1 प्लस x2, सम कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनका सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 अप टू x10 आ रहा है। 2 को भी जब हमने 10 बार मल्टीप्लाई, 3 हम कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, देखिए 3 को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि सब में ये मल्टीप्लाई है। 2 को भी हम देख रहे हैं हम 10 बार ऐड कर रहे हैं, तो ये 2 × 10 हो गया दोस्तों। देखिए तो हमारे पास क्या मिला दोस्तों, 3 × समेशन ऑफ xi जब i इज़ इक्वल टू 1 to 10, जो कि हमको अभी पता है ऊपर देखिए x1 प्लस x2 और प्लस 2 × 10 दैट इज़ 20। और आप ध्यान से देखिए x1 प्लस x2 x10 अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो इसकी वैल्यू है 50। तो हमें अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 समेशन जो इसका दिया हुआ है, या समेशन 50 हम निकाल चुके हैं, तो 50 प्लस 20, तो 3 × 50 प्लस 20। सो जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा दोस्तों, देखिए अब जो नया मीन होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास टोटल सम है, हमारे पास जो नया सम है वो हमारे पास ये दिया हुआ है दोस्तों। इस सम में टोटल अगर हम देखें तो अगर हम इसका समेशन निकालने का प्रयास करें, तो समेशन अगर मीन निकालने का प्रयास करें तो मीन क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है और आपको समझ में आए, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं मीन लिख रहा हूँ, मीन का यहाँ मतलब क्या है, हमारे पास चाहिए समेशन ऑफ न्यू x1 i1, यानी ये इनका समेशन हमें चाहिए। तो आप देख रहे हैं इनका जो ये नई चीज़ है, इनका समेशन हमने यहाँ निकाला है, दैट इज़ जो हमारा समेशन आया है वो क्या आया है दोस्तों, वो आया है हमारे पास ध्यान से देखिए समेशन आया है 3 × 70 अपॉन में टोटल सम अपॉन में टोटल
नंबर्स कितने हैं अपॉन में एन, तो देखिए फिर 10 ही है, तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आई 21। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, अगर आप अपने आंसर से मैच करें तो ये डी आंसर इसका होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन होगा। अब देखिए ध्यान से, ये मैं कैसे किया, मैंने किया इसमें सबसे पहले हमने सब सारे ऑब्जर्वेशन बाई 10 किए, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो जो मीन की वैल्यू होती है वो 5 दी हुई है। अब आप देखेंगे इससे हमको टोटल समेशन मिल गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर पद में, हर एलिमेंट में हमने 2 ऐड किया और 3 का मल्टीप्लाई किया। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह के टर्म आ रहे हैं एक्स टेन, तो आप अगर इनको ऐड करेंगे तो देखिए इस टर्म को ऐड करेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स टेन, इस टर्म को ऐड करेंगे दैट इज़ 20, और 3 हम कॉमन ले सकते हैं तो 3 हमने बाहर लिया है। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स टेन का ये जो समेशन है ये हमको दिया हुआ है 50, ये हमने अभी निकाला है 50, ध्यान से देखिएगा ऊपर, तो हमने ये 50 वहाँ रख दिया, प्लस हमारे पास आया 20, फिर हमने देखा टोटल जो हुआ वो 17 × 3/10, ये मीन जो होता है ये फिर इसका समेशन बटा में टोटल नंबर्स हमने किया, तो देखिए 21 आया। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और ये बहुत ही आसान सवाल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following measures in determined only after the construction of cumulative frequency distribution? देखिए दोस्तों, cumulative frequency क्या होती है पहले ये आप एक बार समझ लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। cumulative frequency की मतलब ये है, अगर कोई डाटा दिया हुआ है जैसे 2, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5 to 10, जब हम इस डाटा को एक सिमेट्रिक ऑर्डर में ऐड करते हैं तो देखिए अगर आप ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले एक लिखा मान लीजिए, फिर आपने 2 लिखा, फिर आप देखें कि 3 नहीं आपके पास, 4 लिखा, फिर आप देखेंगे 5 को आपने कितनी बार लेना है, 4 times लिखना होगा। देखिए उसके बाद आपने जैसे अगर आप एक ऑर्डर से चल रहे हैं तो 6 लिखा, फिर उसके बाद आपने 10 लिखा। तो अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो 1, 2, 4 फिर 5 लिखा, 5 फिर आपको 5, 5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ना लिख के हमने 6 और 10 लिखा, टोटल हमने लिखा। उसके बाद हमने यहाँ एक फ्रीक्वेंसी लिखा, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, ये एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, 3, 4 भी एक बार आ रहा है, लेकिन 5 देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है, 5 यहाँ देखिए 5, 5 बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 हमने ऐड किया है बस आपको समझाने के लिए, तो यहाँ देखिए 5 बार हमने 5 लिखा है, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं, ये 1 time आ रहा है, ये 1 time आ रहा है। तो देखिए देखिए दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये 1, 1 बार आया, 2। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, पहली बार 1, दूसरी बार 2, इसका क्या मतलब है, ये 2 जो है वो किस नंबर पे, अगर आप देखना चाहें तो 2 जो है आपके सेकंड नंबर पे है, 4 कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, अगर 4 का नंबर आप देखना चाहें तो देखिए 2 + 1 = 3 करेंगे, ये क्यूमुलेटिव है, फिर 5 का नंबर आप देखना चाहें तो 5, 3, 8 करेंगे, इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर इस पॉइंट को देखिए, यानी 3 के बाद 8 टर्म तक 5 है, यानी 5 किस नंबर पे है ये देखना होगा, तो 8 टर्म तक है, यानी 4th पे भी 5 है, 5th पे भी 5 है, 6th पे भी 5 है, 7th पे भी 5 है, यानी 8th टर्म तक 5 है। फिर अगर आप यहाँ देखें 6 क्या है, तो 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, तो देखिए ये अगर आप समेशन ऑफ एफ करेंगे तो ये भी 10 आएगा, ये दोनों हमेशा इक्वल आना चाहिए, इसको दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो आप मीडियन निकालते हैं nth by 2, n + 1 by 2, यानी आपको वो टर्म चाहिए होता है मीडियन निकालने के लिए कि जैसे आपका nth by 2 आया 6, यानी 6 नंबर पे कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सपोज़ हमने एक एग्जांपल लिया है, जब भी आप nth by 2 निकालते हैं टोटल नंबर्स जितने हैं उनका बटा 2 करते हैं, तो आप खोजेंगे कि 6 नंबर पे कौन सा, देखिए यहाँ पे जैसे 6 नंबर पे 5 है, यानी जो भी आपको निकालना है nth + 1 by 2, nth by 2 + nth by 2 + 1 by 2, इस तरह के जो भी टर्म, यानी हमको ये निकालना होगा मीडियन निकालने के लिए कि वो टर्म कौन सा है,
तो वो टर्म निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। आप देखते हैं अर्थमेटिक मीन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोड में मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स, मोड का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी से ही निकल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए जिसमें अगर मोड निकालना चाहेंगे तो 5 है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। जियोमेट्रिक मीन होता है ए प्लस अंडर रूट में ए बी, ये आप जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके ऑप्शंस में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है मीडियन को, तो आंसर होगा दोस्तों आपका मीडियन। मैं ये केवल आपको समझाने के लिए दोस्तों निकाला है, इसमें मैं कुछ निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है। क्योंकि आपको अगर आप केवल इतना कोई क्वेश्चन पूछे कि सातवां एलिमेंट इसमें कौन सा है, सातवें टर्म पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो अगर आप देखिए 1 दूसरे टर्म पे ही आ रहा है, तीसरे टर्म पे, लेकिन तीसरे से आठवें टर्म तक 5 आ रहा है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इसकी सातवें टर्म पे 5 होगा। कोई पूछे 9th टर्म पे कौन है, तो सामने आपको दिख रहा है 9th टर्म पे 6 है, 10th टर्म पे क्या है, तो दैट इज 10 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये जानने के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए मीडियन में रिक्वायरमेंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में जाएं तो आपका ऑप्शन है सी। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, केवल फंडामेंटल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 5th क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ 27 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल इज 18। जो 27 ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल के वो 18 है। द मोर ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड द वैल्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन आर 16, 18 एंड 50, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दीज 30 ऑब्जर्वेशन। तो देखिए दोस्तों हमारे पास पहले से 27 ऑब्जर्वेशन है। अगर हमारे पास मीडियन निकालने का तरीका भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास 27 ऑब्जर्वेशन है यानी नंबर 27 हैं। अगर आप मीडियन देखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, nth, देखिए दोस्तों ये 27 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखने में, टोटल 27 हैं। तो जब ऑड है तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ऑड प्लस 1/2 ए टर्म। तो आप देखेंगे ऑड प्लस 1/2 ए टर्म क्या होगा, 27 प्लस 1/2 दैट इज 14th टर्म। तो आपका जो 14th टर्म दिया हुआ है दैट इज 18, वो 18 है यानी यहाँ आपका मीडियन 18 है। जब हम इसमें तीन टर्म ऐड करते हैं 16, 18 और 50, आप ध्यान से देखिए तीन टर्म ऐड करने का, अगर केवल इन तीन टर्म का मीडियन आप देखेंगे तो ये 18 ही है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो एक 18 से कम है, एक 18 से ज़्यादा है, यानी फिर जो मीडियन होना चाहिए वो 18 ही होना चाहिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि जब 16 पहले और ऐड होगा तो जो 18 का टर्म है वो एक ऊपर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, 16 चूंकि 18 नहीं है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड नहीं होगा, ये एक टर्म ऊपर चला जाएगा, और इसके ऊपर भी जो ऐड हुआ है ये उसके ऊपर है। तो देखिए दोस्तों आप, बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि जो पोजीशन है वो आगे बढ़ रही है लेकिन उसके पीछे भी एक टर्म आ रहा है, उसके आगे भी एक टर्म आ रहा है, तो अगेन मीडियन जो आपका होगा 18 ही होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये जो टर्म इसमें ऐड हो रहे हैं, अब आपके टोटल नंबर्स हो गए 27 में अगर इनको हमने ऐड किया तो हमके टोटल नंबर्स हो गए 30। तो 30 नंबर्स हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो बड़ी सिस्टमेटिकली ऐड हुए हैं, एक 18 के पहले आएगा, एक 18 के बाद आएगा, तो मीडियन में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत ही आसान है इसको समझना कि पोजीशन में इसके कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मीडियन अगेन मीडियन होगा, ये 14 से 15 हो जाएगा, लेकिन जो पोजीशन है वो वही रहेगी, क्योंकि एक आगे भी ऐड हुआ है, एक पीछे भी ऐड हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ मीडियन 18 ही रहेगा। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, तो केवल आपको यह समझना है कि हमने ऐड जरूर किया है, सीरीज को चेंज जरूर किया है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में, एक मीडियन के पहले लगा दिया है, एक मीडियन के आगे लगा दिया है, तो अगेन मीडियन में कोई चेंज नहीं होने वाला।
अगर ये सिस्टम ऐसे नहीं होता, दो पहले होते या एक आगे होता है तो सिस्टम बदल जाता। लेकिन आपने देखा, हमने सिस्टमेटिक जो मीडियन है उसको मिड में ही रख के हमने दो, एक पहले और एक आगे ऐड किया है, यानी जो पोजीशन है वो फिर से मिड में ही आएगी। इसका मतलब आपका मीडियन अगेन 18 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपने छठवें क्वेश्चन पे हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 5 एंड दैट ऑफ 150 आइटम्स आर 40 एंड 6। व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ 250 आइटम्स। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स हमारे पास है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150 आइटम्स हमारे पास है 6, और मीन हमारे पास है, मीन 100 आइटम्स का 50 है, तो मीन हमारे पास है। हमने सोचा कि समेशन ऑफ x100, जो 100 समेशन है वो हम देखते हैं वो कितना है। समेशन ऑफ x100 यानी 1 टू 100 i इज इक्वल टू 1 टू 100, ये जो हमारे पास है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई करके, या इसको हम x1 से डिनोट करते हैं तो हम सेकेंड को x1i, सेकेंड को हम x2i से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें इसको, अपॉन में टोटल आइटम्स यानी इनका समेशन अपॉन में टोटल आइटम्स जो हमारे पास है, तो देखिए 100 आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास है 50। तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि इनका जो समेशन होगा वो कितना रहा होगा। देखिए ध्यान से, x1i जहाँ i 1 टू 100 है, देखिए इसका जो समेशन होगा वो होगा 50 इंटू 100। सिमिलरली दोस्तों, हम x2i यानी जो 150 आइटम्स है, यानी i इज इक्वल टू 1 टू 150, हम इसको x2i से डिनोट करते हैं ताकि हम डिफरेंस समझ सकें। बटा में 150 यानी टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इज इक्वल टू भी हमारे पास अवेलेबल है और वो है 40। तो हम देख सकते हैं कि x2i का समेशन कितना है, i इज इक्वल टू 1 टू 150, x2i का समेशन है हमारे पास 40 इंटू 150। ये देखिए हमारे पास दो समेशन है, दो समेशन हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमको जो निकालना है, व्हाट इज़ द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल 250 आइटम्स। जब आप ऐसा कंबाइंड मीन निकालते हैं तो आपको दोनों के समेशन को ऐड करना होगा। इन दोनों के समेशन को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल समेशन आपके पास आएगा, टोटल समेशन अपॉन में टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स देखिए आपके पास 100 है, यहाँ 150 है। तो जो आप कंबाइंड मीन निकालेंगे, कंबाइंड जब हम मीन निकालते हैं दोस्तों, तो हमारे पास होना चाहिए समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू 100 x1i प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू 150 x2i अपॉन में n1 प्लस n2, जो कि n1 प्लस n2 हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों 100 और 150। तो देखिए दोस्तों कैसे हम इसको करेंगे। हमारे पास है समेशन ऑफ x1i क्या है दोस्तों, 50 इंटू 100, प्लस x2i क्या है दोस्तों, 40 इंटू 150 अपॉन में, जब हम दोस्तों n1 प्लस n2 करते हैं तो हमारे पास होगा 100 प्लस 150। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम अगर हम ऊपर से देखें तो हम 50 कॉमन ले सकते हैं, हमने 50 कॉमन ले लिया दोस्तों। हमारे पास पहले में बचा 100, दूसरे में हमारे पास जो बचा वो 40 इंटू 3 बचा दोस्तों, और नीचे अगर हम देखें तो 250 हो रहा है, टोटल 250 हो रहा है। और अगर हम देखें तो ये 5 से हम इसको काट सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हम यहाँ रब करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, इस कैलकुलेशन को आगे करने के लिए मैंने रब किया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो आगे कंबाइंड मीन जो हमारे पास है, तो कंबाइंड मीन हमारे पास क्या पहुंच रहा है, मीन की जब हम बात करते हैं तो अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 100 प्लस 40 इंटू 3 यानी 100 प्लस 120 अपॉन में 5 हमारे पास है दोस्तों। देखिए यहाँ से भी हम 10 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचा 10 प्लस 12 बाई 5
इसको हम 2 कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 2 अंडर में 10 प्लस 12 डेट इज़ 22 इज इक्वल टू 44। तो देखिए हमारा जो कम्बाइंड मीन आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन डेट इज़ 44, ये जो हमारे पास कम्बाइंड मीन है इसको ऑप्शन में हम देखें तो बी ऑप्शन इसको जो है वो कर रहा है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है बी, कम्बाइंड मीन 44। तो देखिए दोस्तों, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 55 एंड एट 150 आइटम्स आर 40 एंड 6। वॉट इज़ द कम्बाइंड मीन ऑफ ऑल 250 आइटम्स। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, बहुत आसान सा सवाल था, हमने X1 और X2 समीशन ऑफ X1 और X2 करने का प्रयास किया, उसकी वैल्यू ली, उसके बाद कम्बाइंड मीन में आप जानते हैं दोनों जितने भी समीशन्स हैं उनको ऐड करके अपॉन में टोटल नंबर्स ने हमने डिवाइड किया और आसानी से हमें ये 44 वैल्यू मिल गई। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, बस थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ आप इसको करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, आपको बस वैल्यू सही जगह सही पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्रश्न संख्या 7, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 55 एंड दैट ऑफ 150 आइटम्स आर 46 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 250 आइटम्स। तो देखिए हमको दोस्तों यहाँ कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हमारे पास वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स का दिया हुआ है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150 आइटम का दिया हुआ है 6, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हमारे पास देखिए दोस्तों, जो इसका फॉर्मूला होता है कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि कम्बाइंड है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसका जो फॉर्मूला होता है डैट इज ब्रैकेट में N1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 प्लस D2 स्क्वायर अपॉन में N1 प्लस N2। तो देखिए दोस्तों, D1 और D2 क्या होता है, D1 हमारे होता है माइनस में और D2 की जो वैल्यू होती है, तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है 100 आइटम्स की वैल्यू है 50 और जो कम्बाइंड मीन है उसकी वैल्यू हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली है 44। इसी तरह इसमें भी हमारी जो वैल्यू है 40 माइनस 44, तो देखिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस का 6, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 4। तो देख रहे हैं आप, अगर हम इसी तरह D1 स्क्वायर निकालना चाहे दैट इज़ 36 और D2 स्क्वायर निकालना चाहे दैट इज़ 16, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारी वैल्यू होगी 250 ब्रैकेट में N1 की वैल्यू है 100 और स्क्वायर की वैल्यू है 25 और D1 स्क्वायर की वैल्यू है 36 दोस्तों। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे N2 की जो वैल्यू है वो है 150 और एन स्टैंडर्ड डेविएशन 150 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 6 दी हुई, तो इसका स्क्वायर है दोस्तों, उसकी वैल्यू है 150, इसके बाद स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है 36 प्लस 16, देखा दोस्तों, अपॉन में N1 प्लस N2 दैट इज 250। इसके कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 7.456। जैसा कि आपको देख रहे हैं दोस्तों, हमारी जो आंसर है दैट इज़ 7.456। अगर आप देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5। अगर हम इससे आंसर निकालना चाहें तो आंसर हुआ हमारा सी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है सी, 7.5। तो दोस्तों देखिए हमारा 8वां प्रश्न है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 55, 150, 46, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ ऑल 250 आइटम्स। तो देखिए दोस्तों, जो वेरिएंस होता है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, ये हमने कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, यानी जो हम कम्बाइंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है। तो हमने अभी अभी निकाला है दोस्तों 7.456।
या इसको 7.5 भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका स्क्वायर तो हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया 7.5, जो भी आएगा उससे थोड़ा सा कम ही वैल्यू इसकी आएगी। तो आइए देखते हैं इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए 56.25 वैल्यू आ रही है, 56.25। तो दोस्तों देखिए इससे थोड़ा से कम ही वैल्यू इसमें आएगी, तो आपकी वैल्यू जो सबसे करीब है वो ये आ रही है 55.6, यानी जो आंसर होगा अगर हम इसका, मैंने इसका स्क्वायर निकाला कैलकुलेशन स्लो करने के लिए, अगर आप इससे कम वैल्यू देखें तो, क्योंकि इसकी थोड़ी कम वैल्यू ही आएगी, तो ये सोल्यूशन जो है ये सी आंसर आपका ऑप्शन है। तो देखिए बहुत ही आसान सा कंबाइंड मीन का हमने स्क्वायर किया, अगर हम स्क्वायर करते तो लगभग यही वैल्यू आती। हमने जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमने डेसिमल को 7.5 लिख दिया, इसका स्क्वायर किया तो हम देख रहे हैं काफ़ी करीब है मुझके, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी करीब है, तो हमारा जो आंसर हुआ 55.6, बाकी कोई भी इतने करीब इस आंसर के नहीं है। दूसरा आप देख रहे हैं हमने 7.5 का स्क्वायर किया है, हम अगर 7.456 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू और कम आएगी, यानी इसके और करीब आएगी। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का, हमारा सोल्यूशन हुआ सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल। आप देखिए द हार्मोनिक मीन एच ऑफ टू नंबर्स इज 4। दोस्तों पहले हम वो दो नंबर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ अर्थमेटिक मीन की बात की गई, ज्योमेट्रिक मीन की बात की है, तो हमने सपोज किया वो दो नंबर हैं ए और बी। अगर हम बात करें हार्मोनिक मीन की, तो जैसा कि हम जानते हैं 2ab अपॉन ए प्लस बी हार्मोनिक मीन की वैल्यू होती है, दिया हुआ है 4। फिर उसका जी सेटिस्फाइड, ए जो है अर्थमेटिक मीन है और जी उसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो ए दोस्तों क्या होगा, ए होगा ए प्लस बी बाई टू, जी की वैल्यू होगी दोस्तों अंडर रूट में ए बी, और सिमिलरली जी स्क्वायर होगा हमारे पास ए बी। तो आइए दोस्तों इस पे हम बात करते हैं, अगर हम पहले हार्मोनिक मीन जो दिया हुआ है उस पे देखें तो 2ab की वैल्यू हमारे पास आएगी 4a प्लस बी। ये एक इक्वेशन दोस्तों हमारे पास आया 2ab की वैल्यू 4a प्लस बी। अब जो हम इक्वेशन दिए हैं उस पे चलते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, 2a प्लस जी स्क्वायर, ए की जगह दोस्तों हम a प्लस बी बाई टू लिख रहे हैं, जी स्क्वायर की जगह दोस्तों हम ए भी लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए दो दो से कटा, हमारे पास अब जो ऑप्शन है दोस्तों ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हम देख रहे हैं ए बी बराबर होता है, यहाँ से देखिए ए बी बराबर होगा 2a प्लस बी, तो हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं और दैट इज़ इक्वल टू 27 हमें दिया हुआ है, तो ए बी इज़ इक्वल टू हमारे पास आया ए बी की जगह हम वो वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, ए बी की जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं 2 टाइम्स में ए प्लस बी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए दैट इज़ 27 और यहाँ से हमें मिला ए प्लस बी, यानी 3 टाइम्स ए प्लस बी बराबर 27, तो ए प्लस बी बराबर 9। तो देखिए दोस्तों ये एक इक्वेशन हमारे पास आया ए प्लस बी बराबर 9। ठीक है दोस्तों, हमारे a प्लस बी की एक वैल्यू आई हमारे पास 9। सिमिलरली ए बी बराबर हमारे पास है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2 टाइम्स में a प्लस बी, तो देखिए दोस्तों ए बी की वैल्यू आएगी 2 × 9 दैट इज़ 18। तो हमारे पास ए बी की भी वैल्यू है। अब हम दोस्तों अगर कोशिश करें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने की, तो इसकी वैल्यू होगी 81 9 × 9, यहाँ से देखिए 81, तो यहाँ पे वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ इक्वल टू 81। अगर हम यहाँ पे ab की जो वैल्यू है 2ab अगर हम यहाँ रखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 2ab, और 2ab की वैल्यू है 4 टाइम्स में a प्लस बी, यानी 4 टाइम्स में 9 दैट इज़ 36। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आई 81 माइनस 36। दोस्तों मैं रब करने जा रहा हूँ ताकि आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर सकें, मुझे यकीन है कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, अगर आपने से किसी ने नहीं भी उतारा है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा
है, अभी हमारा जो a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो 81 माइनस 36 है। अगर आप इसको करें तो आपका आया 545। ये वैल्यू आई a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए दोस्तों a माइनस बी का हम होल स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। दोस्तों देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 45 जो हमने ऊपर से रख दी। यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू माइनस टू ए बी, टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है 4, टू ए बी की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 18, तो 2 ए बी की वैल्यू होगी हमारी 18 इंटू टू दैट इज़ 36। तो अगर आप देखें यहाँ पे होगी 45 माइनस में 36, तो इसकी वैल्यू आई 9। अगर हम a माइनस बी केवल निकालना चाहें तो प्लस और माइनस 3 आएगा दोस्तों, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 9, तो a माइनस बी प्लस और माइनस 3, हम इसमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, a माइनस बी बराबर 3। तो दोस्तों यहां से हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी बराबर 9 और a माइनस बी बराबर 3। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारे पास हम इसको रब करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल है जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब a प्लस बी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 9। तो दोस्तों इसको हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, b भी माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हमारे पास आया, ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू आई यहाँ से, जो a की वैल्यू है दैट इज 6। जब हमारे पास a इज इक्वल टू 6 आया है दोस्तों, मैं यहाँ स्पेस है यहाँ आगे का सॉल्व कर देता हूँ, और a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 9 है, a इज इक्वल टू 6 है, तो b की जो वैल्यू है दोस्तों वो हुई 3। यानी हमारा a की वैल्यू 9, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3। a की वैल्यू आई 6 और b की वैल्यू आई दोस्तों 3। हम देखते हैं ये हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, 6 और 3, ये ऑप्शन a है। तो दोस्तों अगर आप आंसर के हिसाब से जाना चाहें तो ऑप्शन a आपके सलूशन को मैच करता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे ये सवाल था। आपको इक्वेशंस याद होने चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ा पेशेंस रख के एक एक स्टेप पे ध्यान दे के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल आप बहुत आसानी से अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे 9th का जो आंसर है वो ए है, बहुत ही आसान सा सवाल। तो आइए दोस्तों हम 10वें प्रश्न पर हैं। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर गिवन टू बी 4 and 2 रिस्पेक्टिवली इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 द मीन एंड वेरियंस ऑफ द न्यू सीरीज विल बी रिस्पेक्टिवली। देखिए आइए देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 10 ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास x1, x2 और अप टू x10 वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो अगर इसकी मीन वैल्यू भी दी हुई है ऑब्जर्वेशन टू बी 4, द मीन इज़ 4, तो इसका क्या मतलब है, x1 प्लस x2 अप टू x10 अपॉन में 10, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड किए दैट इज़ इक्वल टू 4। दिस मीन्स समेशन ऑफ एक्स आई अगर हम लिख लें एन आई इज इक्वल टू 1 to 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 40। इफ़ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, दूसरा हमारे पास ये भी दिया हुआ है दोस्तों द वेरियंस, तो वेरियंस क्या होता है दोस्तों, वेरियंस होता है वन बाई एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू वेरियंस, और इसकी वैल्यू हुई है हमारे पास ऑलरेडी 2 दी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये 2 हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम पहले को लेके चले तो अगर हम देखें कि हमारे पास 40 है, फिर कंडीशन दी हुई इफ़ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x10 इंटू 2 ये दिया हुआ है, तो अगर आप समेशन देखें, अगर हम इसको सम करते हैं ये पूरी चीज़ों को, तो हमें क्या आता है, हमारे पास आता है x1 प्लस x2 अप टू x10, और इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये तो बाहर ले सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू समेशन ऑफ xi फ्रॉम i इज़ इक्वल टू 1 टू 10,
और अगर ये वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी होती है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 40, यानी इसकी जो वैल्यू हुई दैट इज़ 80, तो हमारी वैल्यू हुई 80। दोस्तों देखिए, समेशन ऑफ टू एक्स आई हमारे पास है। अब अगर हम न्यू मीन निकालना चाहें, जो न्यू मीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज़ समेशन ऑफ न्यू एक्स आई, यानी टू इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई अपॉन में, यानी ये वाली वैल्यू अपॉन में 10, तो ये वैल्यू आप देखेंगे 80 अपॉन 10, यानी जो न्यू मीन है दैट इज 8। हमारे पास प्रीवियस मीन भी है, हमारा जो प्रीवियस मीन है जो बिगनिंग में मीन दिया हुआ है उसकी वैल्यू 2 है, यानी दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स न्यू दैट इज 8 और एक्स बार दैट इज 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो वेरिएंस है वो नया वेरिएंस वो क्या होगा, ये कोशिश करते हैं दोस्तों नए वेरिएंस को जानने की का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हमारे पास न्यू मीन आया है वो 8 है, हम न्यू मीन यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि एक आंसर हमारे पास आ चुका है, वो न्यू मीन 8 है। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं ताकि आपको आगे के कैलकुलेशन को दिखा सकूँ। तो देखिए दोस्तों, आगे का जो आपका कैलकुलेशन है बहुत ही आसान सा, ये एक्स न्यू हमारे पास 8 है, ये जो न्यू मीन है वो 8 है, और आगे जो हमें निकालना है वो न्यू वेरिएंस निकालना है। तो वी न्यू इसको हम लिख देते हैं, नया वेरिएंस क्या होगा, तो जो नया वेरिएंस होगा 1/n समेशन ऑफ, यहाँ 2x हो गया क्योंकि सारे x 2x में तब्दील हो गए, माइनस में एक्स न्यू जो न्यू मीन है एक्स न्यू बार ये रखा हमने, तो ये हमारा न्यू वेरिएंस होगा। अगर हम देखें ध्यान से तो इसका स्क्वायर, दोस्तों इसका स्क्वायर होता है, जो मीन निकालते हैं वो इसका स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर में टर्म होता है, स्क्वायर का टर्म होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2x माइनस का एक्स न्यू हमारे पास 8 है का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं ये 2 दोनों में कॉमन है, और अगर बाहर लाएंगे तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा, यानी अगर हम ऐसे लिखें तो 2 स्क्वायर बाई एन समेशन ऑफ एक्स माइनस 4। देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर, अब देखिए समेशन ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर ये क्या चीज़ है। अगर आप द बिगनिंग वेरियंस देखें, जो शुरू में वेरियंस दिया है उसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो है 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस जो पुराना हमारा मीन था, डेट इज़ वो क्या था दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर लिया है। आप ध्यान से देखिए, अगर 2 स्क्वायर यहाँ से बाहर होगा तो यहाँ 2 बचेगा, एक्स माइनस पुराना मीन 2 है, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ देखिए ये आएगी, और इसकी वैल्यू जो पुराना मीन है उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ से 2 स्क्वायर हमने बाहर लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आया 4 इंटू प्रीवियस मीन दैट इज़ 2, तो इसकी वैल्यू आई दोस्तों 8। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जो नया वेरिएंस भी वो 8 है, और हमारे पास जो नया मीन है वो भी 8 है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, नया वेरिएंस भी 8 है और न्यू मीन भी हमारे पास 8 है, यानी हमारा जो आंसर हुआ वो सी हुआ, यानी आंसर जो हमारे पास हुआ दैट इज़ सी। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने मीन के स्क्वायर को लिया यहाँ पे, तो इस हिसाब से हमारा क्या आया, जो प्रीवियस मीन था वही आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 2 लिखा, 4 इंटू प्रीवियस मीन दैट इज़ इक्वल टू 8, तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ वो सी हुआ। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास अगला जो प्रश्न है, द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज़ फाउंड टू बी 0.6। हमारे पास कोरिलेशन कोफिशियंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 0.6, एक्स और वाई की बीच हमारे पास कोरिलेशन कोफिशियंट दिया हुआ है। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई ट्रांसफॉर्म यूजिंग यू माइनस 2 माइनस 3x वी बराबर 4y प्लस 1। तो कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल यू एंड वी विल बी, तो देखिए ये जो है ये क्या होता है दोस्तों, कन्वर्जेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। अगर आप इसको और ब्रॉड में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। तो देखिए दोस्तों, ये आपको पूरा जो अगर देखेंगे तो ये आपको पूरा इक्वेशन मिला है,
जिसकी वैल्यू 0.6 दी हुई है, अगर आप इक्वेशन से देखें u इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो वेरियंस ऑफ u आप देखें, वेरियंस ऑफ u, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 3 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 9 वेरियंस ऑफ x. सिमिलरली v इज इक्वल टू दिया हुआ है 4y प्लस 1, यानी वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 16 वेरियंस ऑफ y. तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू आ गई. अब हम देखते हैं कि हाँ, अब हम v निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी कन्वर्जेंस की, देखिए ये होगी e ब्रैकेट में टू माइनस थ्री एक्स यू माइनस यू बार वी माइनस वी बार. अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो इसकी वैल्यू होगी ई टू माइनस थ्री एक्स माइनस में टू प्लस थ्री एक्स बार, दूसरे ब्रैकेट में फोर वाई प्लस वन माइनस में फोर वाई बार माइनस वन. देखिए अब जो हमको हमारे पास वैल्यू आई वो क्या है, टू टू से कैंसिल हुआ थ्री एक्स बार, तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स बार माइनस में थ्री एक्स और फोर वाई माइनस में फोर वाई बार. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, थ्री कॉमन ले सकते हैं, फोर कॉमन ले सकते हैं, इन टू में है दोनों, इज इक्वल टू ई अंदर में आएगा, माइनस थ्री कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, जो कि सी ओ वी एक्स वाई के इक्विवेलेंट है. इसको लिख सकते हैं माइनस 12 इंटू सी ओ वी एक्स एंड वाई. तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ यू वी. तो आइए हम यू वी निकालने का प्रयास करते हैं, मैं यहाँ से रब करने जा रहा हूँ दोस्तों. तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यू वी यानी कोरिलेशन कोफिशियंट हम निकालने का इसमें यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज सी ओ वी ऑफ यू वी अपॉन में वेरियंस ऑफ यू इंटू वेरियंस ऑफ वी. ध्यान से देखिए दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, अब ये हमारे पास है माइनस का 12 इंटू सी ओ वी ऑफ एक्स वाई, और जैसा कि आपने अभी देखा इसकी वैल्यू ये थी, और हमारे पास वेरियंस ऑफ यू क्या था दोस्तों, वेरियंस ऑफ यू हमारे पास था 9 वेरियंस ऑफ एक्स. सिमिलरली वेरियंस ऑफ वी हमारे पास क्या आया था दोस्तों, वेरियंस ऑफ वी हमारे पास आया था 16 वेरियंस ऑफ वाई. तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या आता है, माइनस 12, अब देखिए यहाँ 9 और 16 को हम वापस ले सकते हैं बाहर, इसमें 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 4 ये बाहर हुआ, यहाँ सी ओ वी एक्स वाई आया अपॉन में वेरियंस ऑफ अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई. अब ध्यान से देखिए दोस्तों ये हमारे पास 12 ऊपर भी 12 नीचे भी, माइनस 12 बाई 12 इंटू, अगर आप देखिए तो ये कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई ही है. तो अगर देखिए तो ये माइनस 1 इंटू 0.6 यानी माइनस का 0.6 ये हमारी वैल्यू आ रही है, यानी जो सोल्यूशन हुआ डेट इज़ माइनस का 0.6. बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके फार्मूले याद होने चाहिए और फार्मूले के साथ साथ जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उस पे पेशेंस के साथ उस पे आगे बढ़िए, आप निश्चित ही अच्छा करेंगे. तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा 11th क्वेश्चन, आंसर है सी. फॉर द डाटा 3516595286 द मीन मीडियन एंड मोड आर एक्स
Y and Z respectively, which one of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है? तो आइए पहले दोस्तों हम डाटा देखते हैं क्या है हमारे पास. 3 है, 5 है, 6 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 8 है, 6 है. अगर हम इस डाटा को एक वे में लिखने का प्रयास करें तो दोस्तों देखिए क्या होगा. हमारे पास x की तरह लिखें इसको, ये हमारे पास 3 है, 3 के पहले दोस्तों हमारे पास 3 के पहले 2 है सबसे मिनिमम, उसके बाद हमारे पास 3 है दोस्तों, 3 के बाद हमारे पास 4 नहीं है दोस्तों, हमारे पास 5 है, 5 के बाद हमारे पास 6 है दोस्तों, 6 के बाद दोस्तों हमारे पास 7 नहीं है दोस्तों, हमारे पास 8 है, 8 के बाद हमारे पास 9 है दोस्तों. तो ये 9 है. अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कौन सा डाटा कितनी बार आया है. 2 हमारे पास एक बार आया है दोस्तों, 3 भी हमारे पास एक बार ही आया है, 5 हमारे पास 3 बार आ रहा है दोस्तों, 6 हमारे पास 2 बार आया है दोस्तों, 8 हमारे पास एक बार आया है, 9 हमारे पास एक बार आया है. तो देखिए हमारे पास टोटल जो 3, 5, 1 दोस्तों एक मैंने छोड़ा, यहाँ 1 भी एक डाटा है दोस्तों जिसको मैंने मिस किया यहाँ पे. तो हम इसको 1 को हम फिर से लिख देते हैं और x को ऊपर ले, ये 1 है दोस्तों और ये x है, इसकी वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी है. तो देखिए दोस्तों 1 मैंने मिस किया हुआ था यहाँ. टोटल डाटा 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 है. अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें टोटल भी हमारी क्या आएगी, 10 आएगी दोस्तों. अब दोस्तों हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ निकालते हैं, यानी ऐड करते जाएंगे. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 होगा दोस्तों, ये 8 होगा दोस्तों, ये 9 होगा दोस्तों, ये 10 होगा. ये दोनों इक्वल आना चाहिए दोस्तों, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर दोस्तों अब हम मीन, मोड एंड मीडियन तीनों की बात कर रहे हैं तो देखिए जो मोड होता है वो क्या होता है. मोड होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीटेड हुआ हो. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी से देखें तो मोड हमारा होगा 5. तो देखिए दोस्तों मोड की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5. इसी तरह दोस्तों अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है दोस्तों. मीडियन यहाँ हमारे पास जो टोटल नंबर्स ऑफ डाटा है दैट इज़ इवन है. तो इवन नंबर ऑफ डाटा यानी nth बाई 2 प्लस nth बाई 2 प्लस 1, ये दो टर्म बटा में 2, ये हमारा मीडियन होगा दोस्तों. तो अगर आप देखिए तो nth बाई 2 यानी 5th 10 बटा में 2 टोटल टर्न एलिमेंट है, 5th टर्म प्लस 6th टर्म बटा में 2, तो पांचवा और छठवां टर्म हमारे पास क्या है दोस्तों. देखिए अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आप ध्यान दें, थर्ड वा टर्म थर्ड है, फोर्थ टर्म भी फिफ्थ है, फाइव टर्म भी फिफ्थ है, सिक्स टर्म भी फिफ्थ है. तो फिफ्थ और सिक्स टर्म यानी दोनों 5 है हमारे पास. 5 + 5/2 ये हम मीडियन निकाल लें दोस्तों, मीडियन निकाल लें. तो देखिए मीडियन की वैल्यू हमारी क्या आती है, दैट इज़ 5. तो हमारी जो मीडियन की वैल्यू आई वो 5 आई दोस्तों. तो हमारे पास मोड है 5 दोस्तों, हमारे पास मीडियन भी है 5. हमारे पास मोड भी है दोस्तों, मीडियन भी है हमारे पास 5. तो मोड भी आ गया, मीडियन भी आ गया. अब हमारे पास जो अगला जो टर्मिनोलॉजी है, मोड मीन हमें निकालना है दोस्तों. हम मीन पे बात कर रहे हैं. मीन दोस्तों बहुत आसान है मीन निकालना. मीन निकालने के लिए सब हम ऐड करते हैं और सबको ऐड करने के बाद हम उसको 10th यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं. तो आप देखिए हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो कितना होगा. हम इसको समेशन ऑफ एक्स अगर निकालना चाहें, ये ध्यान देना है कि ये 3 बार आया है, 3 बार आया है तो इसकी वैल्यू होगी 15. तो आइए यहाँ लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 5 × 3. ध्यान से देखिए 5 × 3 होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 × 2 होगा, 6 की फ्रीक्वेंसी 2 है, +8 + 9. अगर इसको आप देखें ये 6 हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों, ये 12 हुआ दोस्तों, ये 20, 30 + 20, ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो आई दोस्तों वो 50 आई. ये आप देख रहे हैं
21 प्लस 9 दैट इज़ 30 और 12 प्लस 8 दैट इज़ 20, तो 30 टोटल हमारे पास जो वैल्यू आई वो 50 आई दोस्तों। अगर हम मीन निकालना चाहें, इसका जो एडिशन करना चाहें, मीन निकालना चाहें, तो टोटल समेशन यानी समेशन ऑफ एक्स करेंगे बटा में 10 यानी एन करेंगे। देखिए ये हमने किया, इसकी वैल्यू भी 5 आई। तो आप ध्यान देख रहे हैं हमारा मोड भी 5 है, मीडियन भी 5 है और मीन भी 5 है, यानी हमारे तीनों इक्वल हैं। अगर आप आंसर में जाएं तो डी ऑप्शन इसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता है, तो ऑप्शन है हमारा डी। तो देखा दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और हमारा जो सोल्यूशन हुआ वो है डी। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 13 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोग्राम। द हिस्टोग्राम इज अ सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आप जानते हैं, ये बेसिक चीज़ ही है। द एरिया इंक्लूडेड अंडर द होल हिस्टोग्राम इज टोटली फ्रीक्वेंसी, इज टोटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है दैट इज नाइदर वन एंड नाइदर टू। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था, नाइदर वन और नाइदर टू। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14। अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कंपेरेबल ओवर द ईयर्स इज गिवन फॉर अ लास्ट 12 ईयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डाटा इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई ब्रोकन लाइन ग्राफ, ऐसा नहीं है। ईच कॉर्नर टर्निंग पॉइंट रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ वन ईयर, तो जैसा कि जानते हैं फंडामेंटल ही नहीं है इसका, तो सेकेंड फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकेंड, सच अ ग्राफ डिपिक्स द क्रोनोलॉजिकल चेंज, या दैट इज ट्रू, एंड ऑल्सो इनेबल्स वन टू मेक अ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, या दैट इज ट्रू। तो देखिए आपका जो सेकेंड है, ओनली सेकेंड ऑप्शन ही आंसर है, तो आंसर क्या है, सेकेंड। भाई दोस्तों आगे बढ़ते, तो आंसर है 14 का सेकेंड। दोस्तों हम 15th क्वेश्चन पे हैं, 15th क्वेश्चन, द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ बाइवेरेट डिस्ट्रीब्यूशन आर। हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ बी एक्स वाई दिया है और बी वाई एक्स दोनों ही दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो -0.64 दिया हुआ है, हमारे पास माइनस का 0.36 दिया हुआ है। देन द कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जो कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो डैट इज़ माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 0.64 माइनस का 0.36। अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 36 अपॉन में 100 इंटू 100। हमने पॉइंट्स हटाया दोस्तों, तो 8 इंटू 6 आठ अटे 64, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन में 10 इंटू 10, ये बाहर आया आपका। तो अगर आप देखें तो इसकी जो ये प्लस और माइनस में वैल्यू आएगी, तो क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये होगा 0.48। अब चूंकि हमारे पास दोनों ही निगेटिव है, जो बाइवेरेट डिस्ट्रीब्यूशन रिग्रेशन कोफिशियंट है, तो इसकी भी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, निगेटिव 0.48। तो देखिए नेगेटिव 0.48 हमारा मैच करता है, ये बी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, तो आंसर दोस्तों आपका होगा बी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा आपके एग्जामिनेशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं, और आप इन प्रश्नों के ज़रिए अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छा कर सकेंगे। मेरी और पूरे TGM टीम की तरफ से आप सभी को एग्ज़ामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत जल्द ही मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।